हेलो व्यूवर्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, जो कि सीकर में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो 16 अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने विज्ञप्ति यानी कि नोटिस दिया हुआ है विश्व पीएचडी एडमिशन के लिए। ये जो एंट्रेंस है वो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि रेट 2023 के माध्यम से कराया जाएगा। इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है 26 अगस्त 2023 तक आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उस इस नोटिफिकेशन से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, www.sekhavni.ac.in इनकी वेबसाइट है, जहां पर आप लोग इनसे संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट से इंग्लिश के लिए 26 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, हिंदी में 54 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, संस्कृत में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, जियोग्राफी में यहाँ पर 30 सीटें रखी गई हैं, हिस्ट्री में 51 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ आप देख सकते हैं 68 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और सोशियोलॉजी में कुल टोटल 24 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर लें तो यहाँ पर बॉटनी के लिए 19 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 13 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, मैथमेटिक्स में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, फिजिक्स में 10 सीटें हैं, और जियोलॉजी में कुल 21 सीटों पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन मांगा जा रहा है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर बात कर लें तो इसमें एबीएसटी में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और ईएएफएम में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी करने के लिए 16 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और फिजिकल एजुकेशन से पीएचडी करने के लिए 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जो भी स्टूडेंट हैं उसमें अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का जो 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस के कैटेगरीज के कैंडिडेट भी इंक्लूड हैं, और वो भी स्टूडेंट जो फिजिकल हैंड के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर्म को फिलअप करने में। वहीं अगर बात कर ले कि इस फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहां पर आप लोगों को देना पड़ेगा। एससी एसटी या फिर किसी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2023 का डेट रखा गया है। तो अगर आप यहां से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 26 अगस्त से पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। गाइस, इसके नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है कि इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ नेट या फिर जेआरएफ वाले ही भर सकते हैं। यहां पर ऐसे स्टूडेंट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।